सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और सारे रिक्ष बंदर का वेश ले लेकर देवता लोग जहां तहां अवतरित होने लगे, परमात्मा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और यहां महाराज अवधेश ने पुत्र की कामना से पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया है श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और आहुति देते देते अंतिम आहुति इतने भाव से दिया, बाबा तुलसी ने वर्णन किया, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, 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 प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव का प्रागट्य हुआ, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान होने लगी। बोली यज्ञ नारायण भगवान की, पूरी अयोध्या नगरी गूंजने लगी जय जयकार से। प्रसाद का चरु वशिष्ठ महाराज ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने तीनों रानियों को, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना, आधा कौशल्या माँ को, आधा जो बचा था उसका भी दो भाग किया, एक कैकेयी को एक सुमित्रा को। और तीनों माताओं ने इस प्रकार प्रसाद ग्रहण कर लिया। और धीरे 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 बाबा तुलसी कहते हैं समय नजदीक आने लगा, माताएं सगर्भा हो गईं। और भगवान जिस दिन से गर्भ में आए उस दिन से तो पूरी धरती मानो नृत्य करने लगी, चारों ओर शीतल बंद सुगंध हवाएं चलने लगी, कलियां मुस्कुराने लगी, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी, गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी, और सरजू में मानो अचानक बाढ़ आ गई, उछाल भरने लगी सरजू। सारा विश्व परमात्मा के आने की प्रतीक्षा में श्रृंगार सजने लगा, मानो सारा विश्व परमात्मा को पुकारने लगा। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष कहते हैं प्रथमा तिथि आई, भगवान को बहुत प्रार्थना किया, मालिक आप भी प्रथम हैं और मैं भी प्रथम हूं, मेरी तिथि में आ जाइए। भगवान ने कहा कि लाइन बहुत लंबी है, सबको पूछ लूं ना, फिर द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी सबने आकर के अपनी महिमा बताई, और नौमी आई ना तो भगवान के सामने रोने लगी कि मालिक अभी तक मुझ में कोई शुभ काम नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि चल मैं तुझको स्वीकार करता हूं, और नौमी तिथि भगवान ने फाइनल कर लिया। और नौमी तिथि आते ही अब तो बाबा तुलसी की कलम भी थिरकने लगी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसवती शीता नभामा, मध्य दिवस लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह बाहु, शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन जाहु, हर्षित सुर संतन मन जाहु, हर्षित सुर संतन मन जाहु, हर्षित सुर संतन मन जाहु। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया, और आज 11 बजा नौमी तिथि के दिन मंगलवार का दिन अभिजीत मुहूर्त, 11 बजते ही देवता लोग विमान पर बैठकर अयोध्या की परिक्रमा करने लगे ऊपर से। पर ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, देवताओं के रहते तो भगवान आने वाले नहीं थे, तो देवताओं को लगा कि जब तक हम जाएंगे नहीं। और देवता लोग जैसे ही गए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम,
और उसी समय जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। दोपहर मध्य दिवस माँ कौशल्या के भवन में अचानक प्रकाश पुंज उतरा और ध्यान से माँ ने देखा तो चार भुजा रूप में परमात्मा का प्रागट्य। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। और माँ ने चतुर्भुज रूप का भगवान का दर्शन किया, बड़ी प्यारी स्तुति गाती है। और अचानक भगवान जब बालक बने और रोने की किलकारी भगवान के आवाज में पूरे महल में गूंजने लगी और दासियां भागी महाराज बधाई हो, और पूरी अयोध्या नगरी मानो बधाइयों से गूंज गई। महाराज ने जब सुना कि चार पुत्र, तो मानो महाराज को ब्रह्मानंद से परमानंद मिल गया हो। दशरथ पुत्र जन्म सुन आना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन आना, मानो ब्रह्मानंद समाना। यदि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। और महाराज ने उसी वक्त सभा को बंद किया और महाराज के आदेश पर पूरी अयोध्या नगरी में बधाइयां गुंजायमान होने लगी। आइए हम सब मिलकर भगवान राम लला के प्रागट्य की भाव और श्रद्धा से सारे लोग खुशियां मनाते हुए बधाइयों दे। अवध में आनंद भयो जय रघुबर राम की। अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। आज अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। 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 अवध में आनंद भयो कौशल्या ने लाला जायो। हे कौशल्या ने लाला जायो। हे हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। आ हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। हे अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। हे अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। हे अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। हे जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की। हे लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल की। हाँ अवध में आनंद भयो रघुबर लाल की। आज अवध में आनंद भयो रघुबर राम की। जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की। बोलिए राम लला भगवान की। अयोध्या धाम की। सरजू मैया की। और हम सब लोग मिलकर सारे देशवासियों को बधाई दें इस बधाई के गीत से। दिनेश बावरा जी का लिखा हुआ बड़ा प्यारा गीत, हमारे बड़े हास्य सुंदर हास्य कवि दिनेश बावरा जी। प्रगट भये रघुराई। प्रगट भये रघुराई अयोध्या में। 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 प्रगट भये रघुराई अयो हर्षित सरयू माई अयोध्या में। हर्षित सरयू माई अयोध्या में। ओ हर्ष
हर्षित सरयू माई अयोध्या में, हर्षित सरयू माई अयोध्या में, हे हर्षित सरयू माई अयोध्या में, हर्षित सरयू माई अयोध्या में, बाग बगीचा और फूलवाई बाग और फूलवाई, बाग बगीचा और फूलवाई बाग बगीचा और फूलवाई, महकन लागी हर एक डारी, महकन लागी हर एक डारी, महके उठी अमराई अयोध्या में, प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, सुर नर मुनि सब आस लगावे, सुर नर मुनि सब आस लगावे, सुर नर मुनि सब आस लगावे, सुर नर कब प्रभु जी के दी, कब प्रभु जी के दी, कब प्रभु जी के दर्शन पावे, कब प्रभु जी के दर्शन पावे, दशरथ को देवे बधाई अयोध्या में, दशरथ को हरि बोल दशरथ को देवे बधाई अयोध्या में, दशरथ को देवे बधाई अयोध्या में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठुमक ठुमक घूमे हैं आंगन, ठुमक ठुमक घूमे आंगन, ठुमक ठुमक रामा, ठुमक ठुमक रामा, ठुमक ठुमक रामा, ठुमक ठुमक घूमे हैं आंगन, ठुमक ठुमक खुश है चारों की माई अयोध्या में, खुश है चारों की माई अयोध्या में, हाँ खुश है चारों की माई अयोध्या में, खुश है चारों की माई अयोध्या में, प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, प्रगट भये प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, 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 हर्षित सरयू माई अयोध्या में, हर्षित सरयू माई, हरि बोल, हर्षित सरयू माई अयोध्या में, हर्षित सरयू माई अयोध्या में, प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, प्रगट भये प्रगट भये रघुराई अयोध्या में, 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 प्रगट भये रघुराई।
बताई अयोध्या में प्रगट रघुराई बोल रामचंद्र भगवान की श्री अयोध्या धाम की सरजू मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इस प्रकार भगवान राम कर प्रागट्य राम जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई हो बधाई हो बधाई हो।